So we are doing the methods of preparation of ethene or alkenes. ठीक है, कल हमने alkyne से preparation की थी जिसमें हमने दो reactions की थी, Birch reduction and Lindlar's catalyst. Okay. Now today we will be doing the laboratory preparation of ethene. जैसे आपने इथेन की लेबोरेटरी प्रेपरेशन की थी, अगर आपको कुछ याद हो, यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडा लाइम मिक्सचर, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज किया था. ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, वहां से हमने एल्केन बनाया था. ठीक है, यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इथेन प्रिपेयर किया था, याद आया, सोडा लाइम का मिक्सचर था, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे इथीन की, राइट. अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ नंबर ऑफ एजेंट्स. सबसे पहले यू विल बी यूजिंग अ ड्रिपिंग फनल. ये एक ड्रिपिंग फनल है, डायरेक्ट नहीं हम इसमें ऐड करने लगे हैं. ओके, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे से हम ये करेंगे. वी आर टेकिंग एल्कोहल हियर, ओके, प्लस अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस ड्रिपिंग फनल. ओके, तो आपने इन दोनों चीजों का ये जो मिक्सचर है ये लेना है. दैट मिक्सचर शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2. 1:2 रेशियो में ये मिक्सचर लेना है. ठीक है, ड्रिपिंग फनल के बिल्कुल नीचे आपने लगाना है राउंड बॉटम फ्लास्क. ओके, यू विल बी अटैचिंग अ राउंड बॉटम फ्लास्क हियर. वो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपका ये, राइट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी आर टेकिंग इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हमने दो चीजें ली हैं. एक ली है हमने सैंड एंड सेकंड वी आर टेकिंग सोडियम सल्फेट, नॉट सोडियम, एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है, Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है. ठीक है जी, अब होगा क्या इसमें से, ये जो एल्कोहल है इट विल गिव यू इथीन. इथीन का जनरल फॉर्मूला C2H4 यही होता है, C2H4. आपने एल्कोहल वाली रिएक्शन पढ़ के आए हो, H और OH डिहाइड्रेशन रिएक्शन कल करवाई थी मैंने, तो ये एल्कोहल पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी. ये H5 में से एक H निकल जाएगा और OH सेपरेट हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, इथीन. इथीन बन जाएगा. ठीक है, इथीन के साथ साथ आपके कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी निकलेंगे. ओके, इथीन के साथ साथ कुछ आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं, दे विल ऑल्सो बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट हियर. एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है. आपने बायो में टर्म यूज की होगी, ये पता है आपको, कैटलिस्ट जो आपकी रिएक्शंस को फास्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम सल्फेट भी जो है हमारा वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, विच इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि जल्दी रिएक्शन हो. ठीक है, सैंड का काम यहाँ पे क्या है, सैंड जो है वो फ्रॉथ, झाग बनने से प्रिवेंट करेगी. ओके, सो द फंक्शन ऑफ सैंड हियर इज दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, फ्रॉथ ना बने, झाग ना बने. ठीक है, उसको हेल्प करेगी. सो इन दिस प्रोसेस यू विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज द टू बाय प्रोडक्ट्स जो हमने एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि वो हमारे इथीन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं. ओके, सो हाउ दे आर रिमूव्ड, एक्चुअली इनको मैंने NaOH में से पास करवाना है. आई विल बी पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू NaOH, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH. हाँ जी बताओ,
सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? कार्बोनेट. सो यू विल बी गेटिंग Na2CO3. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एस कर दूंगी तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na2SO3, सोडियम सल्फाइड. ओके, तो NaOH डालने से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, दे विल बी रिलीज्ड एज द सॉल्ट. सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में ये बाहर आ जाएंगे. ओके, एंड यू विल बी गेटिंग ओनली एल्कीन. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ इथीन. तो ड्रिपिंग फनल में से हमने धीरे धीरे जो है वो ऐड करना है, राइट? हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? इथीन कैसे बनेगी वो समझ आ गया. डिहाइड्रेशन करनी है अल्कोहल्स की, कल ही मैंने आपको करवाई है. OH और वहां से H निकाल देना है, राइट? बाकी ये दोनों जो है वो रिएक्शन के लिए हैं, एक कैटलाइज करेगा और एक फ्रॉथ फ्लोटेशन को प्रिवेंट करेगा. ओके, जो आपके साइड प्रोडक्ट्स आए हैं वो NaOH से हमने क्या कर देने हैं? एलिमिनेट कर देने हैं. डन, क्लियर? नेक्स्ट, राइट डाउन प्रेपरेशन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. प्रेपरेशन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज द अनदर टाइप ऑफ कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस. की थी हमने इथेन में भी KOLBE, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. नाइन एंड हाफ, क्या ठीक है? बस, और किसी ने नहीं लिए? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सो वी विल बी टेकिंग अ सॉल्ट ऑफ एनी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक मींस जिसमें दो क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, ठीक है? तो दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यही होगा. इसको वैसे हम सक्सिनिक एसिड कहते हैं, बट आपने लिखा है पोटेशियम या सोडियम का सॉल्ट लेना है हमने. वी विल बी टेकिंग अ सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है? तो अगर मैंने सॉल्ट लेना है तो दैट मींस दीज हाइड्रोजन्स दे विल बी रिप्लेस्ड बाय आइदर सोडियम और पोटेशियम. 13, ठीक है? दीज विल बी रिप्लेस्ड आइदर बाय सोडियम और आइदर बाय पोटेशियम. तो आप जिससे मर्जी इनको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो. नाउ दिस विल बी द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम. अब ये एसिड नहीं रहा है, नाउ इट हैज बिकम सक्सिनिक, ठीक है? पहले सक्सिनिक एसिड था, अब ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया है सक्सिनेट. हाँ जी, क्लियर है? वी विल बी डूइंग इट्स इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. व्हाट यू विल गेट? क्या मिलेगा आपको बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है? सिमिलरली जब मैं इसकी डिसोसिएशन करूंगी, ठीक है, पहले इसकी आयनाइजेशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जो वाटर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में स्प्लिट हो गया, तो वैसे ही ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है? सो इसकी आयनाइजेशन आपको क्या देगी? CH2COO- एंड CH2COO- प्लस 2K पॉजिटिव, यही देगी. हाँ जी, ठीक है बेटा. सिमिलरली वाटर की भी डिसोसिएशन कर लेते हैं.
ionization of water, it is going to give you H positive ion and OH negative. Okay. अब जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे कौन सा जाएगा? एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव. तो इसमें से नेगेटिव कौन सा? ये वाला. तो डेट विल बी रिलीज्ड एट एनोड. अब ये सेम रिएक्शन है जो आपने लास्ट टाइम इथेन की थी. क्या किया था इसके बाद हमने इस स्टेप पे? इस स्टेप में हमने क्या किया था? बोलो. इस स्टेप पे हमने क्या किया था आगे? एक तो पेज इतनी जल्दी पलटने शुरू कर देते हो. दो इलेक्ट्रॉन्स माइनस नहीं किए थे? एक ये इलेक्ट्रॉन यहां से और एक ये इलेक्ट्रॉन यहां से. ठीक है. दिस इज हाईली अनस्टेबल. नाउ अनस्टेबल हो गया. अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देने हैं यहां से. ठीक है. और जब ये रिलीज करेगा डेट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यही बनेगा. ठीक है. दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और कैथोड पे क्या रिलीज होगा? व्हाट विल बी रिलीज्ड एट कैथोड? एच पॉजिटिव आयन, जिसने वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? एक्सेप्ट करने हैं. आफ्टर एक्सेप्टिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स it will convert into hydrogen. तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है लास्ट टाइम वाली, सिर्फ रिएक्टेंट्स चेंज किए हैं. हाँ जी. any doubt बेटा? और कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कहाँ गया? K पॉजिटिव जो है वो इसके साथ OH के साथ KOH बन जाएगा. ठीक है. ये इसके साथ आ जाएगा, KOH हो गया, ये हाइड्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये जो है वो आपको एल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी. हाँ जी. एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो. Done. चलिए next write down physical properties of alkenes. Physical properties of alkenes. सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की, फिजिकल स्टेट. हाँ जी. लास्ट टाइम जैसे बताया था मैंने आपको एल्केन के जो स्लाइटली लोअर मेंबर्स हैं वो किस स्टेट में होंगे? गैसियस. उससे ज्यादा वाले लिक्विड एंड उससे ज्यादा वाले दे विल बी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है. तो सेम है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो उनकी स्टेट है वो चेंज होती जाएगी. नेक्स्ट राइट डाउन. अच्छा, स्मेल लिखो. ऑर्डर, ऑर्डर में सिर्फ इथीन की जो फर्स्ट मेंबर है उसकी प्लीजेंट स्मेल है, बाकी सारे ऑर्डरलेस हैं. ओनली इथीन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स दे आर हैविंग द प्लीजेंट स्मेल. बाकियों की ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है. नेक्स्ट राइट डाउन. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब आपने मुझे एक्सप्लेन करना है.
हाँ जी, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? द सिस आइसोमर इज हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द ट्रांस आइसोमर. जब हमने एल्केन्स किए थे तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का. सिमेट्री हम किसमें देखते हैं? सिमेट्री हम किसमें देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट में. और बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं? सरफेस एरिया और द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस. ठीक है, तो सिस आइसोमर में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं दे आर मोर, क्योंकि जो दोनों हैं, बोथ द ग्रुप्स दे आर ऑन वन साइड. अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, ठीक है, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंट करती हैं. ठीक है, और यही अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी की बात जो है वो ट्रांस आइसोमर में करूं, तो एक ही इधर जाएगी और एक ही इधर जाएगी. हाँ जी, तो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, बॉन्ड पोलर नहीं है. अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो डैट मीन्स जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी. अगर बॉन्ड पोलर है या उसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो डैट मीन्स जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो ज्यादा होंगी. तो सिस में जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रांस आइसोमर, जिसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द सिस आइसोमर इज हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट. अब आप मुझे मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया बताओ. मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया, सिस का लो हो जाएगा क्यों? क्यों नहीं स्टेबल है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोल रहे हो आप. सिमेट्री में भी क्या देखेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं? वो एक पर्टिकुलर वर्ड बोलो. डिब्बे में क्या करना है इनको? पैकिंग देखते हैं. ठीक है, तो पैकिंग किसकी अच्छी होगी? ट्रांस वालों की एज कंपेयर टू द सिस, क्योंकि सिस में दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो एक तरफ हैं और दोनों जो हैं वो लाइटर ग्रुप्स हैं एक तरफ है. बट एज कम्पेयर टू द ट्रांस, जिसमें बल्की ग्रुप्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, तो इसीलिए जो सिस आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू द ट्रांस आइसोमर, क्योंकि जो आपका ट्रांस आइसोमर है उसकी पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी. ठीक है, तो सेम रीजन था जो हमने लास्ट टाइम एल्केन्स के लिए डिस्कस किया था. नेक्स्ट राइट डाउन सॉल्युबिलिटी. हाँ जी, सॉल्युबिलिटी का बताओ कंसेप्ट. वाटर सॉल्युबल होंगे? विल दे बी वाटर सॉल्युबल? नहीं. किस में सॉल्युबल होंगे फिर? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. ठीक है, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, इनमें होंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलर बॉन्ड नहीं है, पोलैरिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए वाटर में जो है वो सॉल्युबल नहीं होंगे. क्या लाइन बोलती हूँ मैं? लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जो जैसा है वो अपने अंदर वैसी चीज को क्या करेगा? डिजॉल्व करेगा. क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या करेंगे? डिजॉल्व कर सकते. नेक्स्ट इज डेंसिटी. कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा मास. ठीक है, मास का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कार्बन एटम्स की बात करेंगे. जैसे जैसे आपकी कार्बन एटम की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी. ठीक है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होगी. कोई चीजें सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसमें जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव, नंबर ज्यादा है. ओके, सो जो लोअर वाले हैं उनकी डेंसिटी कम होगी, जो हायर वाले हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी. ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स.
मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स नाउ. So you have studied the addition reaction, substitution reaction, electrophilic and nucleophilic reactions. पढ़ा है आपने electrophile क्या होता है, nucleophile क्या होता है. Additions में भी हमने nucleophilic की addition पढ़ी है, electrophilic की addition पढ़ी है, substitutions में भी पढ़ा है. अब मुझे ये बताओ जो alkene है, which type of reaction they will undergo? Nucleophilic, electrophilic के साथ addition, substitution, elimination वो भी साथ में attach करना है. हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इन दोनों में से एक डिसाइड करना है. ओके, और एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इन तीनों में से एक डिसाइड करना है. करवाया हुआ है मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक के साथ मैंने बोला एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सेलेक्ट करना है, और बाकी जो आपकी तीन रिएक्शंस हैं, तीन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, इनमें से सेलेक्ट करना है. कॉम्बिनेशन बताओ कौन सा करेक्ट होगा इनके लिए. न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक में से एक सेलेक्ट करो और इन तीनों में से एक सेलेक्ट करो. ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और कोई, एनीवन एल्स? बस एक नहीं बोलना है. अच्छा, सब्स्टिट्यूशन उसके साथ, कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. चलो, और दिलजीत बोलो. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अच्छा अच्छा, एडिशन. चलो, और बस 13 बच्चे क्लास में बैठे हैं और एक ने आंसर दिया है बस. और अगर एक का गलत हुआ तो बोलो, और अगर मैं ये कहूं कि ये गलत है फिर कहां, फिर और बोलो कोई. जरूरी नहीं है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक वाला गलत हो गया तो साथ में सारा एडिशन वाला भी गलत है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अच्छा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बेटा जब मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस करवाई थी उसमें बोला था ना कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एडिशन होती है, और वो जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. आया याद कुछ? बताया था ना, एलिमिनेशन में जो सिंगल वाला है वो डबल में जाता है. ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है तो इस पे कौन सी रिएक्शन होगी, एंड इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. ठीक है जी, तो पहले एडिशन वाला करेक्ट है. अब ये वाला बताओ, अगर ऑलरेडी उसके पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है तो उसको न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है? ओके, so they will be undergoing which type of reactions? Electrophilic addition reaction. जहां पर सबसे पहले आके कौन अटैक करेगा? Electrophile will attack. ठीक है, सबसे पहले आके कौन अटैक करेगा? Electrophile अटैक करेगा.
ओके सो दिस इज योर एल्कीन. अब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है इट विल लुक लाइक दिस. ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ, जिसमें एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और दूसरा जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा. कोई भी अटैकिंग स्पीशीज है वो ऐसे ही होगी ना, ठीक है, HCl, HBr, वाटर, इसी टाइप की होंगी, राइट. अब हमने पहले किसका अटैक शो करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का. वेरी गुड. एंड दिस इज द स्लो स्टेप. हमेशा एक बात याद रखनी है रिएक्शंस में, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है. क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, मतलब आपकी पूरी रिएक्शन जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करती है. इसके बाद आप जितने भी स्टेप्स लिखोगे वो सारे स्टेप्स जो है वो रिएक्शन को सिर्फ कंप्लीट करते हैं, डिटरमिन नहीं करते हैं उसका रेट कि वो रिएक्शन जो है वो किस रेट से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन कैसे हो रही है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है वो किस स्टेप में देखी जाएंगी, सिर्फ इसी स्टेप में देखी जाएंगी, स्लो स्टेप में. ओके, फास्ट स्टेप इट विल जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन. तो इसमें क्या होगा, अब सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रोफाइल की मर्जी जहां पर मर्जी जाके अटैक कर सकता है, ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने इधर अटैक कर दिया, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने इधर अटैक कर दिया तो दूसरे वाले कार्बन पे क्या आएगा. इधर अटैक करने का मतलब क्या है कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा. अब ये इसने नेगेटिव चार्ज को देखा, कहता है इस कार्बन के पास ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इमीडिएटली इसने इसके साथ क्या कर दी है, रिएक्शन कर दी. तो ये इस पोजीशन पे आके लग गया और साथ में आपका न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा एज NU नेगेटिव. ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए, दैट गिव राइज टू E पॉजिटिव एंड NU नेगेटिव, ठीक है. तो दोनों में पोलैरिटीज आ गई. तो इसने क्या कहा, जब E पॉजिटिव बना तो इसने इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और दूसरे स्टेप में ये भी अटैच हो जाएगा. एंड दैट विल बी द फास्ट स्टेप, याद रखना, कल फिर से करवा देंगे.